भैया अभी तो हम क्या गाड़ी का नाम रखे? हाँ अस्सलाम वालेकुम बॉयज, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गर्मी अच्छा बॉयज, आज के व्लॉग में ना कुछ मसले हैं इस गाड़ी के जो हमें सॉल्व करने हैं। पहला मसला जो है मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ना, दिस ओह माय गॉड, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, दिल से दर्द होता है ब्रोज। अब ये हुआ कैसे है मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके तो ये भी एक, ये तो पहले का ही था, इसकी इशू नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा ये जो इशू है ये मुझे पता नहीं कैसे हुआ है, बिकॉज यार अंदर बैठ के बताता हूँ, बहुत बहुत कठिन हो गया। वेट सिग्नेचर टाइम यू नो, वेट वेट वेरी नाइस। अच्छा तो भाई यहाँ से फिलहाल निकलते हैं, ये रैप मैंने साथ मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने रख लिया। तो अभी फिर इसके दो और मसले हैं, एक मसला इसका ये कि इसका जो एसी कंप्रेसर है ना, जो जिन लोगों से ऐसे हुआ होगा उनको पता होगा कि खुद ही ऑन ऑफ हो जाता है, और जो मतलब स्टिल पे खड़ी रही जब, और जो इसका आरपीएम है वो ऊपर नीचे होता रहता है, विच इज आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, एक इसका कंप्रेसर चेक करवाना है, बी इसका रैप दोबारा लगवाना है। देखो आपने रैप करवाई है ना गाड़ी, तो रैप के नकड़े उठाने पड़ेंगे आपको, हल्की सी कहीं लग गई है, माइनर सी भी हो तो आपको पूरा पैनल ही चेंज करवाना पड़ता है। मेरे ये पीछे फेंडर पे ना थोड़ी हल्की सी लग गई थी, वो बहुत माइनर सी थी, बहुत ही माइनर थी, वो तो नज़र भी नहीं आती, तो वो अभी तक मैंने चेंज नहीं करवाया, ये थोड़ा मेजर है तो इसको चेंज हमें करवाना पड़ेगा, तो वो चेंज करवाते हैं आज। और तीसरा काम इसका ये है कि इसकी जो हेडलाइट है ना उसके अंदर पानी चले जाता है, मॉइस्चर बन जाता है उसके अंदर मॉइस्चर बन जाता है, जिसकी वजह से वो फोकअप हो जाती है और पानी बन जाता है उसके अंदर, तो वो हमने चेक करवाने कि उसका इशू क्या है। ये तीन काम है आज के, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं कॉलेज भी नहीं गया इसी वजह से आज, तो वो ये काम हमने अभी चेक करवाने हैं। ठीक है तो अभी चलते हैं सीधा वर्कशॉप, अभी पर आपके काम हम बाद में करवाएंगे, पहले हम जिसका एसी कंप्रेसर ना वो कराते, और मुझे नहीं पता कहाँ से करवाते हैं चेक फैसला। ओके मुझे नहीं पता कहाँ से ही करवाना है, अभी जो एक बंदा मेरे जानने वाला है मैकेनिक है उससे पूछते हैं जाके, इलेक्ट्रिशियन भी है मैकेनिक भी है, उससे पूछते हैं जाके कि क्या इसका हल है क्या होगा। ओके फर्स्ट ओपिनियन उससे लेते हैं, बाद में जाके इसको ठीक करवाते हैं। रैप का मैंने ऑलरेडी एक बंदे से बात कर ली हुई है, तो रैप भी हो जाएगा इंशाल्लाह आज की डेट में ही, और जो लाइट का है वो भी देखते हैं, अभी शायद वही कर दे इलेक्ट्रिशियन है वो भी, तो शायद वही कर दे, यहाँ देखते हैं कहाँ से होगा। आज ये तीन हम नेम निपटाने हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मौसम चेंज ही हो रहा है ना, मौसम चेंज की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं, तो अभी आज इसके काम ये करवाते हैं। ओके फिर आगे देखते हैं क्या करना है, तो ओके आगे मिलता हूँ आपसे जाके। ये रोड बहुत बम्पी है, तो ये एक तो सस्पेंशन, ऊपर से इंजन नॉइस, ऊपर से कंधे रोड, की करो मेरे तो भाग ही फूट गए यू नो। आप बोलो पहले। अच्छा गाइस जो काम पड़ गया कल पे कंप्रेसर और लाइट का, वो एक बंदे को कॉल की थी, वो मतलब जानते सारे काम ना, तो उससे बात की मैंने, तो वो कह रहा है कि वो तो अभी सियालकोट है, उसने आना शाम को, शाम को भी मैं नहीं जा पाऊँगा तो क्योंकि कल कॉलेज भी है, काम लंबे हो जाते होते हैं अगर आप गाड़ी का काम करो कोई भी, तो वो कल पे तो हमने पेंडिंग डाल दिया है एसी और कंप्रेसर का, सॉरी कंप्रेसर और लाइट का, और रैप हम अभी आज ही करवा लेते हैं। ठीक है वो बंदे को मैंने कॉल की थी वो उधर ही है, रैप करवा लेते हैं और बाकी जो काम है वो कल करवाएंगे। भाई अभी बिन मायने सही कहा था, काम हो और रुकावट ना है ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है यार देखो मैं आपको सीधी सीधी सी बात बताता हूँ, अब मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है अभी बिन भाई को देख के। ठीक है बीबीएन जैफा सलीम और टीम फॉर के। ओके ये तीन व्लॉग्स मैं फिलहाल देखता हूँ, पहले मो व्लॉग्स देखता होता था कोई साल दो साल पहले शुरू से स्टार्ट किए थे, उसने स्टार्टिंग की थी, वो अब चवाई मारने लग गए भाई कह सकते उसको कौन सा उर्दू आती तो नहीं, उसको तो हिंदी चैनल है, हल्ले वल्ली मेरे ब्लॉग को सा देखने से तो अभी अभी हम मेरा आपका काम करवाते रहे, आप मेरे पास ही पड़े, और एक जो हमारा काम हो गया है वो है कि इसको टेप लग गई है, इसकी जो टेप इसके साथ आई थी ना वो इतनी नहीं थी कि वो मोबाइल सपोर्ट कर सके, ये स्टैंड है मोबाइल का डैशबोर्ड पे लगता है, ये इसलिए होता है कि उन्हें आराम से मोबाइल रख के तो ब्लॉगिंग वगैरह कर ले,
तो हाथ में से पकड़ के डेंजरस भी है और मजा नहीं आता, तो वो हो गया। अभी रैप करवाते हैं जाके, और एसी और ये कंप्रेसर का और लाइट का हम कल करवा लेंगे। तो अभी चलते हैं सीधा बाइक की वर्कशॉप पे। ओके, वो घर के पास ही है मेरे, तो जैसे रैप लगवाते हैं फिर कल देखेंगे। ओके अच्छा, तो गाइस पहले मुझे ये लगता था कि जो रैप मेरे पास पड़ा है वो एक ही साइड पे आएगा, अगर एक साइड पे फिलहाल पूरा आ गया, एक साइड पे हम लगा के देखते हैं, अगर दूसरी साइड के लिए हमारे पास बचा रैप अगर हमारे लिए इतना काफ़ी हुआ तो दूसरी साइड पर भी लगे तो दूसरी साइड पर चेंज कराऊँ, क्योंकि वो आगे से फटा हुआ है, थोड़ा बुरा लगता है। अच्छा देखे ना, तो बुरा लगता है। अभी अगर ये ना चेंज हुआ तो आपने इस चीज़ को पॉइंट आउट करना है, तो ये ना करना तो हो जाता है रैप में ऐसे। तो फिलहाल हम इस साइड वाला चेंज करवाते हैं, इस साइड वाला। ओके, तो फिर देखते हैं क्या होता है। रैप उन्होंने काट लिया, तो भाई रैप उतार रहे हैं, तू शोर कर लेता है। ये तो उतर गया, अभी रैप इसके ऊपर लगाने लगे हैं, वहाँ करें कि सही लगे यार, क्योंकि ये ऐसे बबल्स आ जाए ना, मतलब रैप में बबल आते ही आते हैं, पास से देखो तो दूर से देखो तो नज़र नहीं आते, बट रैप में बबल आते ही आते हैं, तो एक हफ्ते बाद आ जाए, शायद एक महीने बाद आ जाए, उसी टाइम आ जाए। तो ये एक लॉस होता है, इसमें तो अभी इतने वो कर्व्स नहीं है ना, तो लेकिन जो ये जैसे ग्रैंडे है, ग्रैंडे के वो बम्पर में इतने कट्स होते हैं आगे, तो इस पर आ जाते हैं। अच्छा तो बॉयज सीन ये है कि ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इसके लिए हमारे पास रैप अभी पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी लगे हाथ चेंज कराई नहीं, और फिलहाल मैंने ऊपर वाला भी उतार दिया, प्यारी ऐसे भी लग रही है मुझे टू बी ऑनेस्ट, बट देखते हैं क्या करना। मैं सोच रहा पहले ये जो येलो था ना, येलो जो ब्लैक चिका हुआ था, तो इसका कलर उसका कलर बहुत ज़्यादा फेड हो गया हुआ था, वो ज़्यादा वाइटिश हो गया हुआ था, तो वो अच्छा नहीं था लगता, मतलब पिक्चर से नहीं था अच्छा आता, तो अभी ब्लैक के ऊपर हम येलो लिखेंगे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि ना कुछ भी लिखाऊँ, ऐसे ही रहने दूँ, ऐसे प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो अभी डिसीजन पेंडिंग है, देखते हैं अभी आगे क्या करना है। फिलहाल तो अभी दूसरे साइड वाला रैप हम लगाए लगे, मैंने कहा कि आप रैप काटे ना, आप ऐसे ही ऊपर रख के इसकी कटिंग करें, क्योंकि मुझे डाउट सा हो रहा है कि ये इक्वल नहीं होगा। इक्वल है थोड़े हो, अरे वाह, हाँ ना, वो भी इतना इतना हमारा बच जाएगा ना, ये बाद में कभी यूज हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके रैप भी पूरा हमारे पास, तो ये वाला भी लगवा लेते हैं साइड, बस एक साइड लगवा के दूसरी साइड वो कलर डिफरेंस आ जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता, लगवा लेते हैं। अपडेट फिलहाल ये है कि मैं भी ये राइट साइड वाले वो नहीं लगवा रहा, रीज़न बीइंग कि मैंने कल इसके हेडलाइट भी सही करवानी है, तो हेडलाइट के लिए ना उसने वो हेडलाइट खोलने के लिए वो कह रहे थे बम्पर भी खोलो, तो वो बम्पर का मैं आते बम्पर का जो बम्पर का जो स्क्रू है ना वो यहाँ लगा हुआ है, तो अगर उसने कहा कि बम्पर भी खोल लें तो रैप उधर से फिर उतारना पड़ेगा, तो मैं मतलब हो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन मैं रिश्ते नहीं चाह रहा, फिर करवाना भी है तो खराब हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, पहले लाइट से ही करवाते हैं, कल आके तो भाई से वो करवा लेंगे, उसका इशू नहीं है। ओके अच्छा, मेरा ना पता क्या दिल कर रहा है, वो लाइट के ऊपर ना ये वो इसके साथ साथ ही बना के ना ऐसे बनाऊँ, क्या कैसा आइडिया है? अभी आज तो नहीं बनाएंगे, कल ही बनाएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं घर, क्योंकि खराब हो, तो अभी वहाँ से मैंने करवा लिया, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होगा रैप में, क्योंकि वो फ्रेश रैप है, ऊपर जो साइडों पे और ऊपर लगा हुआ थोड़ा पुराना रैप वैसे भी फेड हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि क्लीन लगेगी पहले से। का जो दूसरे वाला साइड का वो मैंने आपको बताया, वो हम कल करवाएंगे जब बाकी सारे काम इसके कम्प्लीट हो जाएंगे, तो रैप हल्का सा भी उतरा हुआ ना वो फिर दर्द होती है, बहुत मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो अभी चलते हैं सीधा घर, बस मैं तो बस हो गया भाई, हमें नहीं है। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह, तो कल बाकी काम इसके कराएंगे, अपना ख्याल रखिए।